केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रयासों से प्राप्त 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर आमदार समीर कुनावार के कार्यालय हिंगनघाट उपजिला अस्पताल को सौंप दिया गया। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और यह हर जगह फैल रहा है। रोगियों की संख्या भी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। नतीजतन अस्पताल पर तनाव बढ़ रहा है। चिकित्सा उपकरणों की तत्काल आवश्यकता है। मरीज ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी से पीड़ित है और तकलीफों का सामना कर कई लोग मर रहे हैं। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने विदर्भ के विभिन्न अस्पतालों में वेंटिलेटर प्रदान किए। इसके तहत हिंगनघाट उपजिला अस्पताल में 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर प्रदान किए गए। समीर कुनावार के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 4 वेंटिलेटर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर चातरकर को सौंपे गए। इस अवसर पर सांसद रामदास तरस, विधायक समीर कुनावार, भारतीय जनता पार्टी वर्धा जिला अध्यक्ष शिरीष गोड़, भारतीय जनता पार्टी महामंत्री किशोर दीघे, पूर्व जिला अध्यक्ष नितिन मड़ावी, मध्य रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य किरण वैद उपस्थित थे। हिंगनघाट उपजिला अस्पताल को 4 वेंटिलेटर मिलने से जो गंभीर रूप से बीमार लोगों को राहत प्रदान करेंगे, ये कहते आमदार समीर कुनावार ने नितिन गडकरी का धन्यवाद माना। हिंगनघाट के उपजिला रुग्णालय में 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर NIV अभी भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय नितिन जी गडकरी साहब ने 4 पोर्टेबल वेंटिलेटर भेजा। उसका अभी हमने डॉक्टर चाचरसागर साहब को अभी और खासदार साहब रामदास जी तड़स और जिला अध्यक्ष शिरीष जी घोड़े इनके हस्ते अभी हमने चाचरकर साहब को दिया है। पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे, दिन पे दिन पेशेंट बढ़ रहे, ऑक्सीजन सुविधा कर रहे हैं लेकिन कम बढ़ रही है। ऐसे इसमें ये पोर्टेबल वेंटिलेटर अभी 4 लग आए हैं जिसकी कीमत 1 लाख रुपये एक पोर्टेबल वेंटिलेटर की है। तो ये 4 उपलब्ध हुए हैं। गडकरी साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने हिंगनघाट में, हमने उनसे मांगनी किया था कि आप हिंगनघाट के लिए भी हमको ये सुविधा दीजिए, तो उन्होंने अभी 4 वेंटिलेटर भेजा है, पोर्टेबल वेंटिलेटर, जो जिसको तकलीफ है सांस लेने में उसके लिए ये काम कर सकते हैं। ये हवा में से ऑक्सीजन देने वाला मशीन है। इसके लिए वो सिलेंडर का ये नहीं चाहिए, ये हवा में से निकाल के ऑक्सीजन देने वाला यंत्र है और अपने यहाँ पे लोगों को काम में आएगा। अभी आज हिंगनघाट में हमने 20 ऑक्सीजन जंबो सिलेंडर भी हमने गांव से लोगों से जमा करके, जो इंडस्ट्रियल यूज़ के जो सिलेंडर थे वो भी हमने जमा करके आज दोपहर को हमने चाचरकर साहब को हैंड ओवर किए हैं। वो भी उन्होंने भर के वो भी उसके यूज़ में आ गए। कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यंत्रणा हिंगनघाट में लाए और लोगों की जान बचाए। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि ये कोरोना बहुत खतरनाक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आपने सबने अपना अपने परिवार का और खुद का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। गांव में निकलना नहीं चाहिए, इमरजेंसी काम हो तो ही निकलना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर वापरना चाहिए और थोड़ा बहुत भी तकलीफ है, सर्दी खांसी बुखार थोड़ा बहुत भी लगता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, चेकअप करना चाहिए। तो अपन गोलियां और इंजेक्शन से अपन ठीक हो जाएंगे, लेकिन अपन ने लेट किया और ये कोरोना बढ़ गया तो फिर उसके लिए अपने को हॉस्पिटल, ऑक्सीजन, ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि सबने अपना ख्याल रखना चाहिए। BCN न्यूज़ के लिए हिंगनघाट से रवि किनोरकर की रिपोर्ट।